तो दोस्तों हो जाइए तैयार, चार नई कारें आने वाली हैं मार्केट में और देश की टॉप मोस्ट पॉपुलर ऑटोमोबाइल्स कंपनियां टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी और हुंडई इंडिया लाने वाली है बेस्ट इन क्लास गाड़ियां, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात करें तो कार मार्केट में चार नई हैचबैक कारें आने वाली हैं, यानी कि एंट्री लेवल कस्टमर के लिए गुड न्यूज है, जिसमें टाटा मोटर्स की एल्टोज रेसर, हुंडई की i20 फेसलिफ्ट और मारुति सुजुकी की नेक्स्ट जनरेशन स्विफ्ट और बलेनो बूस्टर जेट मेन है। आप भी जानिए इनके बारे में फुल डिटेल्स। तो हैचबैक कार सेगमेंट में आने वाले समय में चार नई गाड़ियों की एंट्री होने वाली है और ये सभी कारें मारुति सुजुकी, हुंडई मोटर्स और टाटा मोटर्स जैसी टॉप 3 ऑटोमोबाइल्स कंपनियों की हैं। खास बात यह है कि सभी आगामी कारें मौजूदा समय में इंडियन मार्केट में बिक रही हैचबैक के या तो नेक्स्ट जनरेशन मॉडल हैं या फेसलिफ्ट वर्जन। और अगर आप भी इन दिनों अपने लिए अच्छी हैचबैक कारें देख रहे हैं तो इन चार कारों के बारे में अपडेट करते हैं, जिसमें से आप अपनी रिक्वायरमेंट के बेस्ट पर सेलेक्ट कर सकते हैं। इनमें फर्स्ट है टाटा मोटर्स की एल्ट्रोज रेसर, साथ ही नेक्स्ट जनरेशन मारुति स्विफ्ट, बलेनो बूस्टर जेट और हुंडई i20 फेसलिफ्ट और टाटा मोटर्स की प्रीमियम हैचबैक एल्ट्रोज के स्पेशल वर्जन एल्ट्रोज रेसर की बात करें तो इसे इस साल ऑटो एक्सपो 2023 में शोकेस किया गया। ये एल्ट्रोज का परफॉर्मेंस वर्जन है जिसमें 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन देखने को मिलने वाला है और ये 118 bhp की पावर जनरेट करेगा। और इसमें है शानदार फीचर्स जैसे कि 10.25 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, इलेक्ट्रिक सनरूफ, 6 एयरबैग, वॉइस असिस्ट और वेंटिलेटेड सीटों समेत कई खास शानदार फीचर्स। नेक्स्ट है मारुति सुजुकी की मोस्ट पॉपुलर हैचबैक स्विफ्ट, और स्विफ्ट का सबसे शानदार नेक्स्ट जनरेशन मॉडल आने वाला है जिसका काफ़ी लंबे समय से इंतजार है। और इस हैचबैक में काफ़ी सारे कॉस्मेटिक्स और मैकेनिकल बदलाव होने वाले हैं। फिलहाल इसकी इंटरनेशनल मार्केट में टेस्टिंग जारी है और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नई स्विफ्ट में बेहतरीन फीचर्स के साथ में हाइब्रिड टेक्नोलॉजी से लैस इंजन मिलने वाला है। और इसके बाद है मारुति सुजुकी की ही एक प्रीमियम हैचबैक नेक्सा शोरूम पर सेल होने वाली 1.0 लीटर बूस्टर जेट के साथ आ रही है मारुति बलेनो। और मारुति सुजुकी ने अपनी स्मॉल एसयूवी फ्रॉन्क्स को बूस्टर जेट इंजन के साथ में पेश किया है और अब अपडेट है कि कुछ ही टाइम में मारुति अपनी प्रीमियम हैचबैक बलेनो को भी 1.0 लीटर बूस्टर जेट इंजन के साथ टर्बो पेट्रोल ऑप्शंस के साथ में लाने वाली है, यानी अब पावर भी काफ़ी दमदार आपको मिलेगी बलेनो से। और बलेनो बूस्टर जेट वेरिएंट में कॉस्मेटिक चेंज भी होंगे जिसमें नई फ्रंट ग्रिल, नए कलर ऑप्शंस के साथ में स्पोर्टी टाइप की बॉडी का ऑप्शंस होगा। और इसके बाद है हुंडई मोटर्स इंडिया की प्रीमियम हैचबैक i20 जल्द ही बेहतरीन लुक और फीचर्स के साथ में आने वाली है और हाल में ही i20 फेसलिफ्ट को यूरोपियन देशों में अनवील किया गया है। और ये कार बेहतर लुक और डिज़ाइन के साथ 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ में मिलने वाली है। और हुंडई i20 फेसलिफ्ट में एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम यानी कि एडास के शानदार फीचर्स मिलने वाले हैं। और नेक्स्ट अपडेट है किया मोटर्स की तरफ से। किया मोटर्स अपनी मोस्ट पॉपुलर एसयूवी सेल्टोस का फेसलिफ्ट लाने वाली है और इस गाड़ी का भी लंबे समय से इंतजार किया जा रहा है। और सेल्टोस को इंडियन मार्केट में लॉन्च हुए 4 साल होने को हैं और अब तक इसे अपडेट नहीं किया गया है और अब कंपनी काफ़ी सारे अपडेट के साथ आगामी जुलाई में यानी जुलाई 2023 में लॉन्च करने वाली है। और किया मोटर्स इस जुलाई में इंडियंस एसयूवी लवर्स को बड़ा सरप्राइज देने वाली है और इस मिड साइज एसयूवी में न्यू टर्बो पेट्रोल इंजन, न्यू लुक डिज़ाइन और इंटीरियर फीचर्स में काफ़ी सारे बदलाव देखने को मिलने वाले हैं। और इंटरनेशनल मार्केट में पिछले साल ही सेल्टोस फेसलिफ्ट को पेश कर दिया गया है और अब इंडियन मार्केट में हुंडई क्रेटा और मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा की राइवल की एंट्री होने वाली है। और आपको बता दें देखने में बहुत कुछ खास होने वाली है। इस एसयूवी के फ्रंट फेशिया को पूरी तरह अपडेट कर दिया गया है और सेल्टोस फेसलिफ्ट में न्यू डिज़ाइन के हेडलैम्प क्लस्टर, LED डे टाइम रनिंग लाइट्स, न्यू ग्रिल, अपडेटेड रियर बम्पर, न्यू डिज़ाइन के एलॉय व्हील्स के अलावा
सीक्वेंशियल टर्न सिग्नल्स ट्वीन एग्जॉस्ट आउटलेट्स और एल शेप्ड सिग्नेचर के साथ में न्यू डिजाइन के कनेक्टेड एलईडी टेल लैंप और न्यू रियर स्किड प्लेटें जैसी नए शानदार फीचर्स अपडेट किए गए हैं। इंजन की बात करें तो 1.5 लीटर का पेट्रोल और डीजल का ऑप्शंस होगा और इसी के साथ पावर के शानदार ऑप्शंस के लिए टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन का विकल्प होगा जो कि 160 पीएस की मैक्सिमम पावर 253 एनएम का टॉर्क देगा और सेल्टोस फेसलिफ्ट को 6 स्पीड आईएमटी और 7 स्पीड के डीसीटी ट्रांसमिशन ऑप्शंस में पेश किया जाएगा। और इसके कुछ शानदार फीचर्स की बात करें तो 10.25 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल, पैनोरामिक सनरूफ, 6 एयरबैग, हिल असिस्ट कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, 360 डिग्री कैमरा और एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट्स समेत कई खास खूबियां इसमें देखने को मिलने वाली हैं। और महिंद्रा मोटर्स ने भी अपनी कॉम्पैक्ट एसयूवी एक्सयूवी 300 के फेसलिफ्ट की तैयारी स्टार्ट कर दी है। टेस्टिंग स्टार्ट हो चुकी है और अब ये ऑल न्यू फीचर से सीधे सीधे टाटा नेक्सॉन को कंपीट करने वाली है और हाल में इसे पूरी तरह से कवर रूप में टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। साल 2019 में लॉन्च किए जाने के बाद 4 साल बाद इसे अपडेट किया जा रहा है और इसमें काफ़ी सारे कॉस्मेटिक चेंजेस होने वाले हैं, मैकेनिकल चेंजेस भी मिलने वाले हैं और XUV 300 फेसलिफ्ट को इस साल के अंत तक लॉन्च किया जाएगा और इसका सीधा सीधा मुकाबला टाटा नेक्सॉन, मारुति सुजुकी ब्रेजा के साथ हुंडई वेन्यू और किया सोनेट जैसी एसयूवी से होने वाला है। और महिंद्रा XUV 300 फेसलिफ्ट में भी 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन, 1.5 लीटर डीजल इंजन रहेगा और 117 एचपी से लेकर 130 एचपी तक की पावर जनरेट करेगा। और यहां पर कंपनी ने अपने मौजूदा इंजनों को लेटेस्ट BS6 फेज 2 एमिशन रूल्स और E20 फ्यूल कंप्लायंस को पूरा करने के लिए पहले ही अपडेट कर दिया है और ऐसे में XUV 300 फेसलिफ्ट में भी ऐसा देखने को मिलने वाला है और संभावना है कि महिंद्रा XUV 300 फेसलिफ्ट में एक नई पावर ट्रेन के साथ में नया ट्रांसमिशन ऑप्शंस भी आपको देखने को मिले, नए डिजाइन के एलॉय व्हील्स, बेहतरीन कनेक्टिविटी, वायरलेस स्मार्टफोन के साथ में वायरलेस चार्जर के साथ में काफ़ी कुछ नए स्टैंडर्ड और सेफ्टी फीचर्स देखने को मिलने वाले हैं। तो जहां पर जून मंथ में मिड जून तक मार्केट की टॉप मोस्ट ऑटोमोबाइल्स कंपनियां अपने कुछ नए प्रोडक्ट्स लाने वाली हैं जिनमें कि मारुति सुजुकी, इसके अलावा टोयोटा मोटर्स और किया मोटर्स शामिल हैं, वहां पर जुलाई मंथ में भी ये ऑल न्यू कुछ गाड़ियां आने वाली हैं। और अगर आप परचेज करने चाह रहे हैं न्यू कार और जानना चाहते हैं डिटेल से तो हमारे साथ आप इंस्टाग्राम पर भी चैट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी आपके लिए स्क्रीन पर शेयर की जा रही है। अपनी किसी अन्य क्वेरी के लिए आप कमेंट्स बॉक्स में भी लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। नमस्कार दोस्तों।